हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और हर रोज की तरह कुछ नया सिखाने वाला हूं। एक्सेल क्या सीखेंगे आइए आपको दिखाता हूं। यहां पर देख सकते हैं ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनका टोटल हमें यहां चाहिए। ये यहां पर हमने इसको थिक बॉर्डर बना दिया है और इसी में हमें इसका टोटल चाहिए। फिर यहां पर देख सकते हैं इन नंबर्स का टोटल हमको यहां पे चाहिए, ठीक है। और फिर ऐसे ही करके बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए हैं यहां पे देख सकते हैं आप। जहां-जहां ये थिक बॉर्डर बनाया गया उसी में टोटल चाहिए ऊपर वाले नंबर्स का। जैसे ये है तो इसका टोटल यहां चाहिए, ठीक है। फिर यहां पर ये है तो इसका टोटल यहां पे हमें चाहिए सिर्फ एक नंबर, ओके। फिर यहां पर आता हूं तो इसका टोटल यहां चाहिए, फिर इन दोनों नंबर्स का टोटल यहां चाहिए। तो ये करना है आपको, कैसे करेंगे एक-एक करके करेंगे बड़ा उबाऊ काम हो जाएगा, बेकार लगेगा, मजा नहीं आएगा एक्सेल यूज करने का। आइए एक्सेल यूज करते हैं और समझते हैं कि इसको कैसे करना है। देखिए सबसे पहले तो डेटा आप सिलेक्शन में लीजिए। कहां तक का डेटा सिलेक्शन में लेना है, जहां लास्ट वाला सेल है वहां तक ले लीजिए आप, जहां पर आपको टोटल चाहिए, ठीक है। ये ले लिया, अब कंट्रोल बटन प्रेस करना है आपको। क्या प्रेस करना है, कंट्रोल बटन प्रेस करना है। तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस कर लीजिए और अब सिलेक्शन में लेते हुए चले जाइए, ठीक है। जैसे डेटा सेलेक्ट कर लिया है, यहां पर एक थिक बॉर्डर मैंने नहीं बनाया है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको कीबोर्ड से क्या प्रेस करना है, कंट्रोल जी प्रेस करना है। तो ये गो टू की शॉर्टकट की होती है, ठीक है। लिब्रा कैल्क में थोड़ा सा अलग है ये, यहां पर मैं बता देता हूं अभी फिलहाल। यहां पर रेफरेंस की बात कर रहा है तो ये स्पेशल पे चलते हैं और यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाता है ब्लैंक का। आप इसी ब्लैंक पे चले जाएं और ओके कर दें। जैसे ही ओके करेंगे तो जितने ब्लैंक सेल हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे, ये लाइक दिस आप देख सकते हैं यहां पे, ये कुछ इस तरीके से देख रहे हैं। तो ये ब्लैंक सेल हो चुके हैं सेलेक्ट, ठीक है। यहां पर एक जो थिक बॉर्डर मैंने नहीं लगाया था वो भी सेलेक्ट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अब आपको केवल अल्ट और इक्वल्स टू बटन दबाना है। आप अल्ट और इक्वल्स टू दबाइए, सबका टोटल उसी में हो गया जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से ये टोटल हो भी चुका है, आप देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब यहां पर देखिए इसका टोटल हो गया, इसका टोटल हो गया, इसका टोटल हो गया, सबका टोटल हो गया है। तो कैसी लगी ये ट्रिक मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।